नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूं एक और नया वीडियो। गाइज आज का वीडियो है 10 इंच बेस ट्यूब की अनबॉक्सिंग टेस्टिंग एंड रिव्यू पे। गाइज ये एक इंडियन बेस ट्यूब है। अगर हम बात करें मैक्सल की तो मैक्सल की तरफ से ये प्रोडक्ट आया है। मैक्सल में आपको बहुत सारे कार एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाएंगे। इनकी एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग टेस्टिंग एंड रिव्यू किया है, तो आप इनके सभी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग टेस्टिंग देख सकते हैं। लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लीजिए। बाकी अगर बात करें आज के इस बेस ट्यूब की तो ये 5000 पीक पावर के साथ आपको मिलेगी। साथ ही साथ ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो आप इसको खरीद सकते हैं अपनी कार के लिए। मेरे पास एक हैचबैक कार है, उसमें लगा के मैं इसको टेस्ट भी करूंगा, लाइक इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है। कंप्लीट टेस्टिंग एंड रिव्यू आज के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइज अभी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो ये सबसे पहले हम यहां से जो मैक्सल का टेप लगा हुआ है वो भी निकाल देते हैं। और ये देखिए यहां से निकल गया और ये आ गया आपका बेस ट्यूब, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो ये वाकई काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। पैकिंग काफ़ी सॉलिड है और यहाँ पे लिखा हुआ है फील द बीट, मींस जो क्वालिटी होने वाली है साउंड की वो अमेजिंग होने वाली है। और हैचबैक कार में तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगी, बिकॉज इसका जो साइज है वो आपका एसयूवी में भी काम करता है। बहुत सारे लोग एसयूवी में भी ये डालते हैं। सो अब निकालते हैं बॉक्स से बाहर। अब यहाँ पर एक वारंटी कार्ड जो कि कंपनी हमें दे रही है, तो यहाँ से आप वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं। रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मैक्सल को हैंडल करता है, मींस ये मैक्सल रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। अभी हम निकालते हैं इसको बाहर। सो नाउ यू कैन चेक बूफर। ये बूफर की क्वालिटी है और जो यहाँ पे आपको ये ग्रिल दिख रही है ये पियानो फिनिश में है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। आप देखेंगे काफ़ी जो एक प्रीमियम लुक आता है वो यहाँ पे आ रहा है। सो अभी हम इसको निकालते हैं बाहर और ये सॉलिड भी है, आप देखेंगे ये काफ़ी मजबूत भी है। सो नाउ बेस ट्यूब हो चुका है अनबॉक्स और मैक्सल फील द बीट जैसा कि इस पर लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। सो गाइज ये है एम्पलीफायर, आप देख सकते हैं यहाँ पे लो इनपुट भी दिया गया है। इसमें आप इनपुट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका रिमोट वायर प्लस माइनस, सो सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। जब इंस्टॉल करूँगा तो मैं दिखा भी दूंगा। यहाँ पे आपका जो साउंड एडजस्ट करेंगे आप, फिल्टर करेंगे, वो सब कुछ ऑप्शन दिया गया है। सो एम्पलीफायर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और हैवी भी मुझे दिख रहा है। अभी हम इसको जब ऑडियो आउटपुट देखेंगे इसका, तब पता चलेगा कि आखिर क्वालिटी क्या है। सो गाइज अगर हम इस बेस ट्यूब के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में दिया गया है मॉडल नंबर MX1015 10 इंच बेस ट्यूब है आपका ये। पावर हैंडलिंग की बात करें तो 360 वॉट, पीक पावर की अगर बात करें तो 5000 वॉट, सेंसिटिविटी यहां पे 90 डीवी दी गई है और यहां पे जो नॉमिनल इंपीडेंस है वो है 4 ओम्स पे। सो ये है मैक्सल का 10 इंच बेस ट्यूब। सो गाइस अभी मैंने इसको इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हैं यहां पे मैं वायरिंग आपको एक बार चेकआउट करा देता हूं। ये देखिए ये एक है प्लस का वायर जो कि डायरेक्ट बैटरी से आता है ये वाला, और इसके बाद आप देखेंगे यहां पे REM रिमोट वायर, ये इग्निशन ऑन ऑफ करने से जो चलता है, ये आपके स्टूडियो में अलग अलग होता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया तो आप चेक कर सकते हैं ये वायर कहाँ पे होगा। बाकी ये है ग्राउंड वायर, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बिकॉज टेम्परेरी अभी हम इसका जो टेस्टिंग है वो कर रहे हैं, और ग्राउंड वायर को आपको इस्टेब्लिश करना होगा जब आप अपनी गाड़ी में पर्टिकुलर इंस्टॉल करेंगे। सो ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया रिमोट वायर, इग्निशन वायर जो कि बोलते हैं, और ये हो गया ग्राउंड वायर। ये आपकी RCA केबल जो कि ऑडियो आउटपुट स्टूडियो से आता है उसके लिए ये केबल है। सो कंप्लीट आपका ये इंस्टॉल हो चुका है। अब स्पेस की बात करें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अगर हम यहाँ रखते हैं तो हम एक दो बैग भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हैचबैक कार है तो स्पेस आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी रहता है एकॉर्ड में। सो ये इस तरीके से फिट हो जाता है। अभी हम इसको बीच में रख देते हैं और इसकी जो साउंड टेस्टिंग है वो करते हैं। सो गाइज ये है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो कि मैक्सल का ही है, इस पर भी एक वीडियो है तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अभी हम NCS नॉन कॉपीराइट म्यूजिक चलाने वाले हैं और ऑडियो आउटपुट जो निकल रहा है इसका और कॉम्बिनेशन है जो एक बेस ट्यूब और एंड्रॉयड स्टूडियो का, वो भी आपको पता चल जाएगा। We'll be right back.
सो गाइज एक सबसे अच्छी चीज़ कि आप यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो बेस कंट्रोल के लिए दिया गया है, यहाँ से आप बेस को कंट्रोल करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आपने फुल किया एंड ये, और यहाँ से आप अप डाउन भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब एक जो वाइब्रेशन है वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और साउंड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट लग रही है। अब इसको पास करके देखते हैं। सो ऑलमोस्ट जो साउंड की टेस्टिंग है वो बेस्ट है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग टेस्टिंग कार म्यूजिक आपके यूट्यूब चैनल पे होती रहती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और मैक्सेल के प्रोडक्ट के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मैक्सेल के बहुत सारे जेन्युइन प्रोडक्ट जो कि मार्केट में चल रहे हैं, लोगों का फीडबैक भी मुझे काफी पॉजिटिव लगा, इसलिए मैंने ये प्लेलिस्ट तैयार की है, तो आप इसको चेकआउट जरूर करिए। गाइस अगर बेस ट्यूब की बात करें तो 8 इंच, 10 इंच और 12 इंच, ये 3 साइज रेगुलर होते हैं। आप अपनी कार के अकॉर्डिंग इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हैचबैक कार में आप 8 इंच भी लगाएंगे तब भी आपको अच्छा साउंड मिल जाएगा। एसयूवी में अगर आप 10 इंच और 12 इंच लगाते हैं तो आपको अच्छा ऑप्शन जो साउंड की क्वालिटी होती है, जो बेस होता है, वो मिल जाएगा। सेडान में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली गाइस जो इसके साइज होते हैं वो होते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड और बूफर। बूफर का जो साइज होता है उसी के हिसाब से ये बेस ट्यूब होते हैं। तो आपको अगर बेस ट्यूब चाहिए, अंडर सीट सब बूफर चाहिए, तो आपको मैक्सेल में ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि यह है कार म्यूजिक, अब यहां मिलेगा सब।